सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीसी वेन्यू का गेटवे आप कैसे बना सकते हो। सो, आपने मेरा काफ़ी सारा वीडियो देखा होगा पेमेंट गेटवे के ऊपर। इवन अगर आप हमारा नाम सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे, हमारा फर्स्ट में वेबसाइट, उसके बाद इंस्टाग्राम मिल जाएगा, उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है वो मिल जाएगा, लिंक्डइन, फेसबुक, बाकी सारा हमारा हर एक चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो जैसे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे का रिव्यूज़ मिलेगा। जिन लोगों ने भी पेमेंट गेटवे लिया है, ठीक है, जिन लोगों ने हमारे से सोल्यूशन लिया है, उनका रिव्यू वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपका पेमेंट गेटवे नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये पेड फीचर है 1999 का। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सीसी वेन्यू में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसमें गेटवे मिलता है। ठीक है, फ्रॉम अनंत प्लस बे। ठीक है, अभी देखो, आप खुद से अप्लाई करोगे, ऑब्वियसली सी बात है आपको सारे मेथड्स नहीं पता हैं जिससे आपको अप्रूवल मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों को अप्रूवल नहीं मिलता है क्योंकि उनको हर एक चीज़ पता नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊँ तो चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शॉपिफाई का सीसी वेन्यू से देख सकते हो। सो गाइस, इन्होंने पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन बाय किया था 1999 में, और इनको सीसी वेन्यू में शॉपिफाई मतलब अप्रूवल मिल गया। अब ये शॉपिफाई में कैसे कनेक्ट करेंगे वो हमसे पूछ रहे थे ना। इन्होंने हमें पेमेंट किया था 15 जून को। ठीक है, अगर हम इसे कट करें तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने पेमेंट किया था। अब क्या करना होगा, तो हमने इनको 2 से 3 गेटवे प्रोवाइड किया था कि तीनों में आपका मिल जाएगा। मैंने कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड किया था, उसका प्रोसेस बताया था, वो डायरेक्टली गेटवे वाले से बात कर सकते हैं एंड मेरा रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मैं लगभग बताऊँ तो सभी गेटवे में मेरा पार्टनर अकाउंट है और वो मुझे पर्सनली जानते हैं। सो, एक और मैं दिखाता हूँ, आज ही हमने लीगलिटी साइन करवाया और कल इनका गेटवे भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने भी पेमेंट किया, इनका बड़ा कंपनी है, छोटा मोटा है नहीं। ठीक है, तो और इन्होंने मुझे पेमेंट किया था, देख सकते हो 21 जून को, और आज है 22, 22 जून है, और आज हमने इनका लीगलिटी साइन करवा दिया और कल एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो 3 से 4 गेटवे होते हैं जो कि हम बताते हैं, आपका ऐप हो या फिर वेबसाइट हो, वो अगर आपका सेविंग अकाउंट्स भी है, जीएसटी नहीं है, तो सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल में भी आपका गेटवे अप्रूव हो जाएगा, गेटवे बन जाएगा, और 100% जो है इंडियन गेटवे रहेगा और उस गेटवे में कम चार्जेस रहेंगे। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूछा था डॉक्यूमेंट आपने भेज दिया, 2-3 को मैंने बोला था डॉक्यूमेंट भेजने के लिए। ठीक है, 2-3 गेटवे वाले को, और उनको मैंने नंबर दे दिया था, इवन उन्होंने खुद इनको कॉल किया। ठीक है, और तो एक का जो है आज तो हो गया, और 2-3 गेटवे हैं उनमें भी इनको मिल जाएगा, मैं वो करवा रहा हूँ, कल तक तो इनका एक एक्टिव हो जाएगा। लोगों के पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मुझे पेमेंट करने में लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि हम उनको दिलवा सकते हैं गेटवे, गेटवे का सोल्यूशन दे सकते हैं, ये ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। बट स्टिल जिनको ज़रूरत है वो ऑब्वियसली पेमेंट करते हैं बिना सोचे समझे, बस उनको देखना है कि मैं कौन हूँ। एंड हमारा नाम सर्च कीजिएगा गूगल पे, वेरीफाइड मिलेगा ब्रो, वेरीफाइड, ये देख सकते हो अनंत प्लस वे करके, यहाँ पे गूगल से वेरीफाइड है, हमारा वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हो। यहाँ पे और भी सर्विसेज लिस्ट हैं, इनमें से कोई भी सर्विसेज ले सकते हो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आप जानते होगे कि ऑनबोर्डिंग गेटवे कौन ले रहा है, पेटीएम, पेयू, कैश फ्री, रेजर पे, ये सब ऑनबोर्डिंग नहीं ले रहे। इनका ऑनबोर्डिंग आरबीआई की तरफ से क्लोज है, बंद है, वो ऑनबोर्ड नहीं कर रहे लोगों को। उसमें आप जाते हो, फिलअप करते हो, बट आपको गेटवे नहीं मिल पाता है। एंड द रीज़न, जिसका ऑनबोर्डिंग ऑन भी है, आपको पता भी है, बट वो प्रोसेस नहीं पता है, जिसके कारण आपको गेटवे नहीं मिल पाता है। इवन आपको पता होगा इंस्टामो जो जो है कि ऑन है ऑनबोर्डिंग, सीसी वेन्यू में ऑनबोर्डिंग ऑन है, और भी कुछ गेटवेस हैं जिसमें ऑनबोर्डिंग ऑन है, बट किसी को शॉपिफाई में चाहिए, किसी को एंड्रॉयड में चाहिए, किसी को बिक्स में चाहिए, किसी को एसडीके फाइल में चाहिए, किसी को पीएचपी में चाहिए, तो अदर अदर मेथड्स हैं। एंड उनके पास डॉक्यूमेंट ना होने के कारण या फिर गलत प्रोसेस से अप्लाई करने के कारण उनको गेटवे नहीं मिलता है और महीनों तक वो वेट करते रह जाते हैं। तो गाइस, इसी चीज़ को सॉल्यूशन देने के लिए हमने इसका सिंपल प्राइस 1999 रखा है। 1999 आप पेमेंट करते हो, हम वो हर एक प्रोसेस बताएंगे जिससे आपको गेटवे 5 से 6 दिन के अंदर मिल जाएगा।
ये 2 दिन में भी मिल सकता है, 1 दिन में भी मिल सकता है, 5 से 6 दिन में भी मिल सकता है। अगर आप पेमेंट लिंक के थ्रू लेना चाहते हैं, पेमेंट पेज के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो हम आपको 30 मिनट्स में भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और गाइस, आप बोल रहे हो कि ये पेड क्यों है, ये फ्री कर दो। ऑफकोर्स कई सारे लोग होंगे जो ये चीज़ें बोल रहे होंगे, तो भाई आप लोगों के लिए एक ही सोल्यूशन है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भाई मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। फ्री की चीज़ें हज़ारों यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट उनका कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम पेमेंट नहीं लेते। और फ्री में गाइस 7,000, 8,000, 10,000 लोग को मैं हैंडल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उन्हीं को दिलाऊंगा जो हमें पेमेंट करेंगे, उन्हीं को सोल्यूशन मिलेगा। और अदरवाइज गाइस, ऐसे कॉल करके परेशान मत करना कि मुझे ये जानना है, वो जानना है, वो जानना है। बट इतना कन्फर्म रहो कि आपको गेटवे मिलेगा, कोई सा भी मिले आपको मिलेगा, और कम चार्जेस रहेंगे और आसानी से यूज़ कर सकते हो। इवेन उस गेटवे को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है, CBSE बोर्ड यूज़ करता है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ऐसे वेरीफाइड गेटवे आपको मिलेंगे, उससे हम आपको बात भी करवा देंगे। नाउ समझते हैं आज सीसी वेन्यू में कैसे अप्लाई किया जाता है। मैं अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट इवन फिर भी आप अप्लाई करोगे, आपको नहीं मिल पाएगा। रीज़न क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि सीसी वेन्यू का जो यहाँ पे डैशबोर्ड बन रहा है, इंस्टामोजो का बन रहा है, लोग उस पर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो उतना ध्यान नहीं देते हैं। अब जिनका GST नहीं है, जिनका करंट अकाउंट है, उन पर ध्यान ही नहीं देते, सीधा रिजेक्ट मार देते हैं। या फिर आपको कभी कभी कॉल आएगा, बोलेंगे 10,000 दे दो, हम आपका कल करवा देंगे। 10,000 अगर गेटवे को दोगे वो करके देंगे आपको। अब वो इसलिए करके दे देंगे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है, सेविंग अकाउंट पे भी करके दे देंगे, ठीक है। बट वो क्या प्रोसेस होता है जिसके हिसाब से आप 0 कॉस्ट में गेटवे बनवा सकते हो अप्लाई करने के लिए, प्रोसेस बाय प्रोसेस फॉलो करोगे मिल जाएगा। एंड कहीं कहीं डिपेंड करता है कि अगर हमने कॉल करके उनको बोला और बताया कि इनका गेटवे है, एक्टिवेट करवा दीजिए, जैसे कि हमारा गेटवे में पार्टनर अकाउंट होता है तो वो हमसे कंसल्ट करके रहते हैं। एंड पार्टनर अकाउंट में कुछ कमीशन मुझे भी मिलता है, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जैसे इंस्टामोजो मैं आपको दिखाता हूँ पार्टनर अकाउंट्स में, वैसे ही और भी बाकी सारे गेटवे में भी मेरा पार्टनर अकाउंट है, तो उनको मैं क्लाइंट्स देता हूँ, इसलिए वो मुझसे बात करते हैं, मेरा सुनते हैं थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि मैं गेटवे का सबसे अच्छा हो गया, नहीं, थोड़ा बहुत सुनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एफिलिएट लिंक होता है, यहाँ पे देख सकते हो किनका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया जाता है, ये पार्टनर अकाउंट से है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनका एक्टिवेट भी होता है, रिजेक्ट भी होता है, किस वजह से होता है, ये इसका मैंने लिंक डायरेक्ट दे के रखा है। अब इससे क्या होता है, डायरेक्ट मैंने तो कोई भी आके अप्लाई कर देता है, बट वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा तो उसको नहीं मिल पाएगा। और वो चीज़ हम बताते हैं आपको कैसे आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस अप्लाई करना है, और वो चीज़ें पेड है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको शॉपिफाई के लिए अप्लाई करना है या फिर किसी भी चीज़ के लिए, सीसी वेन्यू में क्या है, एक डिस्प्यूट का ऑप्शन सही नहीं है। कोई डिस्प्यूट मतलब कोई किसी ने मार दिया, रिपोर्ट मार दिया, तो यहाँ पे सू नहीं होता, उनको मेल करना पड़ता है। इसमें एक जो है कॉइंस है, आप बोल सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ें नहीं है, तो इस गेटवे को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देखो पार्टनर्स है, एलियंस है, एसोसिएटेस है। अगर आपको गेटवे चाहिए, बोलते हैं इंस्टेंट, बट ये इंस्टेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास हज़ारों एप्लीकेशन डेट जाते हैं। अगर आपको 0 फी पे सेटअप करना है, 2% पे, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये 2% नहीं है, आप भूल जाओ कि 2% है, 2% डेबिट कार्ड के ऊपर सिर्फ लगता है। उसके बाद आप देखो UPI पे ये चार्ज नहीं करते हैं ऐसा लिखा हुआ है, बट चार्ज करते ही करते हैं। मास्टर कार्ड पे 5% चार्ज करेंगे, और कमर्शियल पे 3%, फिर 4%, 5% तक ये चार्ज करते हैं। अच्छा ज़्यादा पैसा ये चार्ज कर लेते हैं आपसे, ठीक है। बट उधर इसके अलावा और भी कई सारे गेटवे हैं जो शॉपिफाई से और भी कनेक्टेड होते हैं, जो 2% लेते हैं, बट ये ज़्यादा चार्जेस होते हैं। बट आपको एक हाईलाइट में दिया हुआ है डेबिट कार्ड के लिए ने बोला 2% चार्जेस है, ठीक है। अभी अगर आप 2% वाले पे अप्लाई करोगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, लेकिन वहीं पे अगर आप बगल में इसे बैक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शॉपिफाई, शॉपिफाई के लिए आप अप्लाई करोगे। अगर शॉपिफाई के लिए आपने अप्लाई किया, खुद से अप्लाई किया, कन्फर्म है वो पैसे चार्ज करेंगे या फिर बोलेंगे सीधे डिसेबल, मतलब अप्रूव नहीं हुआ ऐसा करके वो बोल देंगे, ठीक है। यहाँ देखो साइनअप का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ भी साइनअप का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अब कॉल कब आएगा शॉपिफाई में, अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, 10,000 वाले प्लान से, तब वो कॉल करेंगे। ये 30,000 का एक प्लान है, व्यू प्राइसिंग पे जाओगे
तब अब यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइस बता रहे हैं कितना प्राइस किस चीज़ पे लगेगा, वो सारे प्राइजेस यहाँ पे आपको लिखने को मिलेगा। यहाँ पे 1200 का एक है प्लान है, यहाँ पे देख सकते हो जो बेव्ड रहेगा 3600 का है, फर्स्ट फर्स्ट ईयर बेव्ड रहेगा, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद साइनअप पे क्लिक कर सकते हो। अगर शॉपिफाई से शॉपिफाई के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर नेम डालना होगा, जैसे मेरा नाम है तो हम अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे नीचे आपको ईमेल आईडी डालना होगा, ठीक है। तो हम अपना यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करेंगे, उसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके नीचे आपको एक पासवर्ड बना लेना होगा। अब यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन, यहीं का इस प्रॉब्लम आती है कि आपको गेटवे नहीं मिल पाता है। यहाँ पे देखो इंडिविजुअल होगा आपका तो नहीं मिलेगा, सोल प्रोप्राइटरी भी आप ले सकते हो, सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, बट इंडिविजुअल में भी काफ़ी लोगों को मिल जाता है। लीगेलिटी नेम क्या होता है, आपका नाम, या फिर जो बिजनेस है बिजनेस के नाम से अगर बैंक अकाउंट रजिस्टर है तो वो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालो, सिंपली से अपना नाम डालो। डीबीए नेम भी क्या होता है, डीबीए नेम भी सेम नेम है, अपना नाम डालो, उतना मत सोचो। अब वेबसाइट यू डाल, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट आप डाल सकते हो, जैसे हमारा है anandplus.com, तो हम ये ले लिए और इसे लॉक कर दिए। बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे डालना है, यहाँ पे जिप कोड, यहाँ पे सिटी डालना है, यहाँ पे कौन सा आप बिजनेस कर रहे हो, B2B है, डोनेशन NGO है, ई कॉमर्स है, एडुकेशन है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स सेलेक्ट कीजिए, ट्रेवल है, रिटेल है, बस बुकिंग है, एडुकेशन है, ये इसमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एडुकेशनल सर्विसेज हैं, उसके बाद इधर आओगे न्यू बिजनेस है जीरो, तो जीरो सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर, यहाँ पे GST है तो दो, नहीं है तो जाने दो। ओनर प्रमोटर्स कोई है तो यहाँ पे डाल सकते हो। बैंक डिटेल डालोगे एंड क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करोगे, चलिए सब यहाँ पे क्लिक करके हम क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं। सो गाइस हमने डिटेल फिलअप किया तो यहाँ पे एक OTP आया, हमें OTP यहाँ पे एंटर करना होगा, तो हम यहाँ पे OTP एंटर करते हैं और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट होता है यहाँ पे थैंक्स यू फॉर रजिस्टरिंग विद सीसी वेन्यू का ऑप्शन आता है, योर मोबाइल है वेरीफाइड एंड मेल चला गया है। अभी आपको वेट करने के लिए बोलेगा, सीसी वेन्यू पे जाओगे, लॉग इन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा जो कि आपको मिल, जैसे यहाँ पे लॉग इन करोगे आपको GST अगर है रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड अंडर GST है तो ये GST वाला का डिटेल्स आपको वगैरह देना होगा, नहीं है तो नो पे आपको क्लिक करना होगा। नो पे क्लिक करके आपको सबमिट के ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। GST कॉम्प्लियंस रिव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा नीचे चलते हैं, कुछ भी नहीं है तो हम इसे सिंपली से क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे सबमिट KYC डिटेल का एक ऑप्शन आ रहा है, अगर यहाँ पे जाओगे तो एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, एक एग्रीमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हो, ठीक है, या फिर ई साइन कर सकते हो आधार के थ्रू। तो यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा एड्रेस प्रूफ है, आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के बाद आस्था का सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा और नीचे जाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो ई साइन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आपको जो है अपना आधार नंबर फिलअप करना होगा और यहाँ पे टिक मार्क लगाना होगा, तो चलिए हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ई साइन सक्सेसफुली करके आएगा, ये कॉपी आप चाहें तो डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शो होगा ई साइन कंप्लीटेड हो गया है और वैलिड फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रहेगा, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट KYC फॉर रिव्यू पे हम क्लिक कर देंगे। नाउ गाइस यहाँ पे एक चीज़ आएगा कि यहाँ पे योर KYC हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव, इज करेंटली अंडर ऑडिटेड, अपॉन कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट सेटलमेंट पे आउट विल बी इनेबल। तो यहाँ पे जो आपका क्या हुआ है ना कि KYC सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है, अब यहाँ पे वो ऑडिट करेंगे, आपको वेरीफाई करेंगे तो ये सच है कि नहीं है, आप डॉक्यूमेंट सारे ठीक ठाक हैं या नहीं, वो देखने के बाद 1 से 2 दिन में, या फिर अगर कुछ मिसमैच हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, या फिर उनके पास टाइम नहीं होगा, तो आपके एप्लीकेशन को सीधा डिसअप्रूव मार सकते हैं 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, या आपने प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं किया होगा, या उनको कॉल नहीं किया होगा, कई सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण वो आपका डिसअप्रूव कर देते हैं। तो इसी चीज़ को सॉल्यूशन के लिए हम आपसे मात्र 1999 चार्ज करते हैं, और इसमें हम आपको किसी भी गेटवे में आपको अकाउंट दिलवाएंगे, ठीक
ठीक है, उसका प्रोसेस पूरा बताएंगे, उसको अप्लाई करने का, इवन आपको कॉल पर बात भी करवा देंगे, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको गेटवे मिल जाएगा अगर आप हमारा पेड फीचर्स लेते हैं 1999 का तब, ठीक है। सो गाइस ये तो कंप्लीट हो गया पूरा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक से एंड सब्सक्राइब कर लेना, और पेड फीचर्स से नाराज़ हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लाइक करो या डिसलाइक करो कोई मैटर नहीं है भाई। और भी बाकी सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्विसेज, अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है या डिजिटल मार्केटिंग सीखना है 10K में आप सीख सकते हो, हम आपको लाइव सिखाएंगे, 3 डे लाइव क्लासेस होंगी, उसके बाद आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो, या फिर आपको वर्ड मास्टरी कोर्स करना है या पूरा वर्डप्रेस बनाना सीखना है या फिर कुछ भी सीखना है गाइस, आ जाओ, लिस्ट कम, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको यहाँ पे नंबर मिल गया, ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।